to you all on our YouTube channel, that is Easy Learning. I hope you all are better and safe. और जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लास में वेब सर्विसेज के बारे में क्लियर कर चुकी हूँ और एक वेब सर्विसेज मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, दैट इज ई शॉपिंग. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं. आज की क्लास में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, और इलेक्ट्रॉनिक से मतलब आप समझ ही चुके हैं अभी तक क्या होता है. हमारी मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारी जो डिवाइसेज होती है उनको मैं बोलती हूँ, उनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज. सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के माध्यम से यानी आपका जो मीडियम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक. एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जो बैंकिंग की जाती है उसको मैं क्या बोलती हूँ, ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. हम ई बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से हम इसको ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं. अब ये ऑनलाइन बैंकिंग होती क्या है, बेसिकली जो ई बैंकिंग है यानी ऑनलाइन बैंकिंग वो एक सिस्टम है. क्या है, सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग ट्रांजेक्शन, नॉन ट्रांजेक्शन और नॉन ट्रांजेक्शन परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शनल और नॉन ट्रांजेक्शनल वर्क करते हैं. यानी ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शनल और नॉन ट्रांजेक्शनल वर्क को परफॉर्म करते हैं. ये सिस्टम एक बैंक के द्वारा किया जाता है. ये हमारा सपोज एक इंटरनेट है, इंटरनेट ये हमारी बैंक है, ये कस्टमर्स, ये कुछ बिजनेस कस्टमर्स भी होते हैं, ठीक है, ये कुछ और कस्टमर्स हैं. इस तरीके से जो हमारी बैंकिंग होती है वो वर्क करती है. यानी इंटरनेट के द्वारा एक बैंक कनेक्ट होती है और इस इंटरनेट से ही, इसके सर्वर से ही ये सब कस्टमर्स वगैरह आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है. अब इसमें कस्टमर्स भी बिजनेस कस्टमर्स भी होते हैं और नॉर्मल कस्टमर्स भी होते हैं. बिजनेस कस्टमर्स का मतलब क्या है, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उनका लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है डेली. और नॉर्मल कस्टमर जैसे हम लोग, हमारे सेविंग अकाउंट्स हैं ये लोग. सो नॉर्मल कस्टमर और बिजनेस कस्टमर समझ ही गए होंगे, जिनके बिजनेस होती है, जिनकी करेंट अकाउंट होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर होते हैं उनको हम बिजनेस कस्टमर्स बोल सकते हैं. और नॉर्मल कस्टमर जिनके क्रेडिट कार्ड नहीं होते यानी जो एक डेबिट कार्ड के थ्रू बैंक में परफॉर्म करते हैं या जिनके सेविंग अकाउंट होते हैं उनको हम नॉर्मल कस्टमर्स बोलते हैं. अब ये जो ई बैंकिंग होती है यानी ऑनलाइन बैंकिंग, ये एक सिस्टम है. अगर हमें पास क्वेश्चन आए कि ई बैंकिंग होती क्या है, बोलेंगे इट इज अ सिस्टम इन विच वी परफॉर्म अ ट्रांजेक्शनल और नॉन ट्रांजेक्शनल प्रोसेस. अब ये ट्रांजेक्शनल प्रोसेस क्या होती है, ट्रांजेक्शनल, अब बेसिकली जो ई बैंकिंग होती है वो दो टाइप की होती है. ई बैंकिंग दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज अ ट्रांजेक्शनल, सेकेंड वन इज अ नॉन ट्रांजेक्शनल. ट्रांजेक्शनल का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शनल का मतलब है जिसके थ्रू आप पैसे का लेन देन यानी मनी का ट्रांजेक्शन करो, आदान प्रदान करो, लेन देन करो, वो हो गया हमारा ट्रांजेक्शनल. यानी जहां मनी टर्म एड हो जाए, मनी ट्रांसफर टर्म एड हो जाए. ट्रांसफर से मतलब आप एक जगह से पैसे को दे रहे हो, ले रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पैसे को निकाल रहे हो, जमा कर रहे हो, वो हो गया ट्रांजेक्शनल वर्क. और नॉन ट्रांजेक्शनल का मतलब हो गया, आप जैसे कि सपोज आप बैंक में गए, बैंक में जाके आप लोग अपना बैलेंस पूछते हो सिर्फ, या आप लोग बाकी की जो फॉर्मेलिटीज लेते हो, डिटेल लेने बैंक में जाते हो, अकाउंट ओपन करवाना है या बाकी डेबिट कार्ड के लिए फॉर्म फिल करना है, इस तरीके की इंक्वायरी के लिए, या फिर आप लोग अपनी पासबुक पे एंट्री वगैरह कराने के लिए जब जाते हो, दैट इज अ नॉन ट्रांजेक्शनल वर्क. अब ये जो वर्क बैंक में हम लोग एक बैंक जाकर करते हैं, वही काम अगर हम अपने घर पे बैठे या कहीं भी बैठकर, कहीं भी रहकर हम लोग एक इंटरनेट के माध्यम से, एक ऑनलाइन माध्यम से, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू करने लग जाते हैं, सो उसको हम क्या बोलते हैं, ई बैंकिंग. समझ में आया ई बैंकिंग क्या होता है. ई बैंकिंग में हम लोग ट्रांजेक्शनल और नॉन ट्रांजेक्शनल दोनों तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं,
ट्रांजेक्शनल का मतलब हो गया जब आप मनी को ट्रांजेक्शन करते हो यानी लेन देन करते हो पैसे का, तो हो गया ट्रांजेक्शनल। और नॉन ट्रांजेक्शनल का मतलब अभी मैंने बताया, जैसे आपको बैंक में इंक्वायरी लेने जाना है या आपको बैलेंस चेक करना है, वो हो गया आपका नॉन ट्रांजेक्शनल। ऑनलाइन बैंकिंग ई बैंकिंग हमारी 24 आवर वर्क करती है। बैंक जो नॉर्मल होती है जहां आप जाते हो उसका एक कोई फिक्स टाइम होता है यानी एक निश्चित समय होता है, लेकिन ई बैंकिंग का कोई एक निश्चित समय नहीं है, ये हमें 24 आवर वर्क करती है। आप लोगों को कोई ट्रांजेक्शनल करना है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी को पेटीएम, भीम, गूगल पे या फिर एसबीआई के खुद के ऐप है, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इनके खुद बैंक के भी खुद के एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से यानी ऐप है, उनके थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो आप कहीं भी किसी भी टाइम कर सकते हो। आप लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उस टाइम भी तो आप पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में, यानी वो शॉपिंग वेबसाइट के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। तो आप लोग रात में 12 बजे भी परचेज कर सकते हो, 12 बजे भी शॉपिंग करके पेमेंट कर सकते हो। सो आप लोग ये ऑनलाइन बैंकिंग यानी ई बैंकिंग कितने भी टाइम 24 आवर्स कर सकते हो, लेकिन आप नॉर्मल बैंकिंग नहीं कर सकते। So, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि इमरजेंसी में आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है और आपकी बैंक नहीं ओपन, तो आप लोग कभी भी किसी भी वक्त किसी भी टाइम कहीं भी किसी भी प्लेस पर ये बैंकिंग यूज कर सकते हो, ई बैंकिंग को यूज कर सकते हो। फिर आपके जाने आने का समय बचेगा, आप लोगों की ट्रेवल कॉस्ट बचेगी, ये इसके एडवांटेज हुए। आप लोग फॉर एग्जाम्पल कहीं ट्रांजेक्शन करना है इमरजेंसी में किसी भी टाइम कर सकते हो। आप लोगों को नॉर्मली सिर्फ एक मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है ये पूछने के लिए बैंक तक जाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग अगर ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो तो आप लोग सिर्फ एक बार नहीं दिन में 50 बार भी देख सकते हो कि कितना बैलेंस है, क्या इन्फॉर्मेशन है, कितनी बार ट्रांजेक्शन है, आपका लास्ट ट्रांजेक्शन कब किया था, सारी इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हो, ऑनलाइन मीडियम से देख सकते हो। That is the advantage of e-banking. I hope so आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और e-banking में अब आपको कोई भी क्वेरी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।